इस वक्त तुसी वेख रहे हो कि पंजाबी सिंगर गुरदास मान का पुतला बनाया होया और पुतले नूं हुण हुक्कण दीआं तैयारियां कीतीआं जा रहीआं ने, नारेबाजी भी की जा रही है। भाजी नारेबाजी कर रहे हो गुरदास मान के खिलाफ, की वजह लगती हैगी है? माफ़ी भी मांग ली हैगी है पर संतुष्टि नहीं हुई उन्होंने माफ़ी तो। देखो ये पहला मसला नहीं है, जिस पंजाबी न बोली के नाँ पर रोटी खाता रहा, पहले तो इन्हें साड़ी पंजाबी बोली की विरोधता की है। अज साडे गुरु साहिबान बारे एक डेरेदार दे जो नशा करता हो उसनू कुछ भी उसके जावे सानू कोई लेना देना नहीं, पर एक गुरु साहब के बराबर एक गोत होना एक कुल का होना बहुत फर्क है। किवें यह इतिहास में बदल के जोड़ रहा, इस दे पिछे मुआफ़ी की एक भुल चुक नाल होना उसनू बख्शा जा सकता, पर जेकर देखिए कि गुरु साहब के जो बंसावली नाल जोड़िया जा रहा है RSS की डूंगी चाल है, ये उन्हों का कोई खरीदया हुआ पालतू है। जिमें पंजाबी बोली का विरोध किया गुरु साहब की बंसावली नू जो कि इन्हें इतिहास में बदलने की कोशिश की है, इस तो सिद्ध होंदा है कि इसदियां केंद्र दे नाल तारां जुड़ियां होईयां ने, तां ही पंजाबी बोली तो मुनकर होया, तां ही अज गुर इतिहास में भी तोड़न की कोशिश कर रहा है। ये बाहर बंबे दे विच बैठ के अज इसने अपनी कदर गवा ली पंजाबियों के, जिस दे लई सानू अज इहदा पुतला फूक के रोस जाहर करन दे लई मजबूर होना पिया है। बिल्कुल जी। अच्छा भाई जी, सारी जिंदगी गुरदास मान की बड़े लोग इज्जत करते थे, कहते थे कि माँ बोली का पुत हैगा, कि माँ बोली जी पंजाबी हैगी है बड़े शिखरों तक पहुँचाती हैगी है। सारी उम्र जिस इंसान ने नामना खटिया हो इस कारण कि जिहड़े पिछले 3-4 सालों तो एक तो पहला पंजाबी बोली के उत्ते जिहड़े खास तौर उत्ते उनका विरोध होया सीगा, ते हुण की लगता कि ये जिहड़े सारिया चीज़ा हो रही ने एक की कारण लगता तुहानू? इह तां जी गल करम माड़े की निंदा हुंदी है, कर्म का चाहे बुढ़ा होकर बंदा कर दे उसकी पिछली कमाई का क्या मतलब है। गुरदास मान ने जिहड़ी पिछली भी खट्टी करी वो एक व्यापार था, वह कला बेचता था, लोग उसे पैसे देंदे थे, उसकी पंजाबीयत ते सिख प्रति जिहड़ी वफादारी है वह हुण नंगी हो गई है, भी अंदरों वह बाहर आ गया, भी ना पंजाबीयत का हामी है वह, ना पंथक हामी है, तो ना वह सिखी का हामी है। इस करके उसकी विरोधता होंगी है, माफ़ी मांगना यदि है नहीं, उन्हें जुर्म किया, जुर्म की सज़ा होंगी है। बाबा जी पहला गाने चंगे भी गाए है, पर गाने यहोजे भी गाए है जिद्द कहें कि घर की शराब होवे अपना पंजाब होवे, किदा वेखते हैं भी एक तरीके नाल सारी जिंदगी जिदा मैं बाबा जी गल की नामना भी खटिया है, पहला लोग इग्नोर करते रहे थे, बहुत सारे गाने यहोजे भी आए है उन्होंने पर इग्नोर करते रहे है, इज्जत माण बड़ा सीगा, पर अज की नौबत आ गई भी अज पुतले भी फूके जा रहे हैं। अज ना ये जड़े बंदे हैं ये बहुत मन के लेवल के बंदे होंगे, ये बहुत हुण फिर कभी भी गिरावट विच भी देखो कि गिरावट जा गया, कदे शिखर ते चले जांदा, चल अज भी जिहड़ा इहने बहुत बड़ा ये भुल कीती है, बहुत गड्डी बड़ी इहने गलती कीती है, सो इहदे वास्ते इहनां वास्ते इह गल्लां चंगीआं नहीं हैगीआं। पहला वो कंगणा देख लै किन्ना उल्ट बोलदी थी, बहुत उल्ट बोली ना, सो इन्हां लोकां वास्ते गल्लां ठीक नहीं हैगीआं। ये RSS दे मैनूं लगदी निकरां वाले बंद निकरां वाले ने भेजे हुए बंदे, ये बंदे निकरां नुकरां वालिआं दे ऐ, ये पंजाब दे विच अग लाउणे नूं फिरदे ऐ, तो पाड़ पाने फिरते भी किसी ढंग के नाल जिहड़ा उत्थे किसान अंदोलन चलता है उसके विच खाई पैदा करो, उसके विच पाड़ पैदा करो, लोगों को पाड़ो, इन्नी ओ गल होर ज़्यादा गल। इस वक्त तुहानू तस्वीरां विखा रहे हैं कि गुरदास मान का जिहड़ा पुतला हैगा वो फूकिया जा रहा है, क्योंकि जिहड़ी रीसेंटली जिहड़ी गलबात हुई सी जिहड़ा एक समागम दे विच उन्होंने जाके ये बोलिया है कि साहिब श्री गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह महाराज जिहड़े कि तीजे पातशाह ने उन्हां दी जिहड़ी कुल हैगी है, उन्हां दी कुल दे उत्ते उन्होंने कहा हैगा कि जिहड़े जिन्हां नूं मन्नदे हैगे आ जिस डेरे दे उत्ते जाके वह नतमस्तक होंदे कि वह जिहड़े डेरे दे जिहड़े मुख सेवादार हैगे आ भी वह भी उस कुल दे सीगे या उन्होंने आंशवांश के, सो ये कारण जो रोस हैगा सिख जथेबंदियों के बहुत ज़्यादा फैलिया हुआ है। भाई जी कि लगता है कि एक पासे कह रहे हैं कि मेरी मंशा नहीं सी कि मैं कोई इस इंटेंशन के नाल नहीं कहा है, कि लगता थोनू कि मंशा जो कह रहे हैं वो हैगी है या कुछ होर मंशा? देखो जी 70 साल हो गए गुरदास मान को, ठीक है अज तक वो नहीं किसी तरीके की उलझनबाजी च पिया, लेकिन पिछे जो उन्हें पंजाबी बोली प्रति भी उसकी कोई जरा कोई बर्ताव लग्या वो ठीक नहीं लग्या, तो अज उन्हें पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो यह बनाया वै तन तीजे पातशाह साहब श्री गुरु अमरदास महाराज प्रति उन्होंने कुल में जोड़न का यतन किया, लेकिन इस इंसान को सोचना चाहिए भी कितने तो उन्हों का दर्जा है, जेडे खुद परमात्मा से
ते किथे अज आम लोग जिहड़े बीड़ियां सिगरटां दा सेवन जर्दे दा सेवन करदे आ लोकां नूं नशे प्रति प्रमोट करदे सो ये जिहड़ी मानसिकता गुरदास मान दी दिखी बड़ी माड़ी मानसिकता झलकी है अते इक माफ़ी मंगण दा वी इक तरीका हुंदा जदों कोई ढह के आउंदा पंथ दे विच ऐसी प्रथा है भी इस तरह हो नहीं सकिया भी जदों कोई चल के आ गया उहनूं माफ़ी नहीं दित्ती गई लेकिन वह भी एक तरीका होना चाहिए अज गुरदास मान अपने कमरे दे विच बैठ के माफ़ी मंगदा ते पंथ तों माफ़ी मंगी नहीं गई नहीं तो वह आवे कल तक सब पेश हो के अपनी माफ़ी मंगे तो संगतां नूं जिहड़ा रोस है वह शांत होवे एक तरीका हुंदा हर एक चीज़ का जिहड़ा उन्हें तरीका अपनाया इन्नी मेरे ख्याल च गुरु साहिबाना दा तरीका सीगा की लगता कि उहदे विच निम्रता नहीं हैगी भी उत्थे उस प्लेटफॉर्म दे विच बह के सोशल मीडिया ते अपने घर दे विच एक आरामखाने दे विच बह के उन्होंने जाके कहता हैगा कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं सीगी लगता कि यह जिहड़ा तरीका सीगा जे माफ़ी मंगणी है फिर यह जिहड़ा तरीका उन्होंने बदलना पऊगा हाँ माफ़ी मंगने वास्ते भी एक तरीका हुंदा जे उन्हें वाकई लगता मेरे ते गलतियां हुईयां है तो वह संगत दे विच माफ़ी मंगता श्री खालसा साहब पहुँच के माफ़ी मंगता कितने भी पंथ का कट उहदे विच इक उहदे विच माफ़ी मंग सकता सी उत्थे जो सज़ा लगती उसके वास्ते पखड़े मत्थे प्रवान करता एक मर्यादा है मर्यादा तो उल्ट जदों उन्हें एड्डी वड्डी गल आखती गुरु साहबाना वास्ते जिहड़े गुरसिखां अंदर प्यार है गुरु साहबाना प्रति वह ये बर्दाश्त नहीं जे कर सकते सो उहदे वास्ते भविख वास्ते जे सुहिरदा गुरदास मान तो उन्हूं वाकई संगत दे विच आके श्री खालसा साहब पेश होकर माफ़ी मंगनी चाहिए है नहीं तो फिर जो अपने सिख भाईचारा कानूनी कार्रवाई के परचा दर्ज करा रहा है वह उसके वास्ते ठीक रास्ता है ये जो इंसानों को पता लगना चाहिए है भी साढ़े वर्ड किस तरह किसी के हिरदे को भेज सकते हैं तो साढ़े शब्द क्योंकि इन्होंने लोगों ने शब्दों के नाते पैसा कमाया है अज तक इन्होंने अपने परिवार पाले लेकिन जदों अज इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं तो अज उन्होंने इस तरह की शब्दावली मेरे ख्याल च हर एक बंदा इसकी आलोचना कर रहा चाहे कोई भी हो जी। सो गुरबाणी की खास तौर के उत्ते मैं भी एक बार माफ़ी मंग ला क्योंकि मैं जो पहला गुरबाणी की पंक्ति उचारी हैगी है उस थोड़ा जहा मैं गलत बोल गया हैगा भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बाणे आवे है ना गुरबाणी जी असं कदे भी बेअदबी भी नहीं कर सकते इंटेंशनली